हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी में बात करेंगे डबल चिन रिमूवल के लिए। डबल चिन रिमूवल क्या होता है? तो चिन के नीचे ये जो नेक का पार्ट होता है, गले का जो भाग होता है, काफी टाइम यहाँ पे स्टबन फैट आके अक्यूमुलेट हो जाती है। उसे निकालने की जो प्रोसीजर होती है उसे डबल चिन रिमूवल कहते हैं। काफी सारे मशीन्स वगैरह से भी ये हो सकता है, हालांकि आम तौर पे जो भी मशीन से यूज करके फैट को बर्न किया जाता है उसमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं होता है। हम लोग सर्जिकली उसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? चिन के अंदर के भाग पे यहाँ कहीं पे एक छोटा सा इंसिजन देके, कट देके, ट्यूमिसेंट सॉल्यूशन करके एक सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं कि जो यहाँ की जो गले पर जो चर्बी होती है उसे वो मेल्ट कर देता है, पिघला देता है। फिर उसे हमें सक करके मशीन से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक मसल की लेयर होती है जिसे प्लेटिज्मा मसल कहते हैं, उसे टाइट किया जाता है सूचर्स की मदद से। और यहाँ पे हमें दो ग्लैंड होते हैं कि जो मुंह में सलाइवा बनाने का काम करते हैं, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। कभी कभी ये सब मेंडिबुलर जो ग्लैंड होता है उन्हें भी पुश करके अंदर डाला जाता है या थोड़ा ट्रिम किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसीजर होती है उससे आपको एक बहुत ही चीजल्ड या बहुत ही मस्क्यूलर या बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट जॉ लाइन मिल सकती है। अगर आपके यहाँ पे स्टबन फैट है तो उसे हम निकाल सकते हैं। हम ये प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मार्क आता है कि जो 3 महीने के लिए थोड़ा विजिबल होता है, उसके बाद ऑलमोस्ट नॉन विजिबल होता है। उसके साथ साथ ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ डे केयर प्रोसीजर में किया जाता है, डे केयर सर्जरी में किया जाता है। सुबह पेशेंट को एडमिट करके प्रोसीजर होती है और शाम को हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। यह प्रोसीजर जैसे कि एक दूसरी प्रोसीजर होती है फेस को यंग दिखाने के लिए जिसे फेसलिफ्ट सर्जरी कहते हैं, उसमें यह इतना बड़ा मार्क आता है, पूरे कान के आजू बाजू मार्क आता है। और एक सुपरा मेजर प्रोसीजर होती है कि जिसमें एक्सेस स्किन है उसे भी निकाला जाता है। आमतौर पे वो प्रोसीजर 45-50 के अप उम्र से ज़्यादा लोग जो होते हैं उसमें की जाती है, जबकि ये जो डबल चिन रिमूवल की प्रोसीजर होती है वो काफ़ी यंग पेशेंट में की जाती है। अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो और आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फैट डिपॉजिट हो चुकी है, स्टबन फैट है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप ये प्रोसीजर के लिए सही सूटेबल कैंडिडेट है। यह प्रोसीजर सुपरा मेजर सर्जरी नहीं होती है और यंग पेशेंट में किया जाता है। ये प्रोसीजर के रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग होते हैं, काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। पेशेंट की फिटनेस लेने के बाद सडेशन के अंदर, मतलब पेशेंट को पूरा बेहोश भी नहीं किया जाता, थोड़ी सी नींद की दवाई दी जाती है और उसमें की जाती है। 7 से 8 दिन के बाद टाके सारे निकाल दिए जाते हैं और अमूमन जो रिजल्ट आता है मोटा मोटी, दैट विल बी अराउंड आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक्स में आपको एक अच्छी सी और काफ़ी पतली जॉ लाइन मिल जाती है कि जो काफ़ी फेस को सूट करती है। ये सर्जरी आमतौर पर कौन कराता है? एक तो जिसे यहाँ पे स्टबन फैट हो, दूसरा ऐसा हो कि जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी डिवाइस यूज़ किए हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ किया है, हाइफू यूज़ किया है, पुल थेरेपी यूज़ किया है, यहाँ पे बोटॉक्स भी लिया है लेकिन असर नहीं है, वो यहाँ पे सही कैंडिडेट होता है। इस सर्जरी का रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी तीनों चीज़ है, मसल, फैट और ग्लैंड, हम ये तीनों को एड्रेस करते हैं। ये तीनों को एड्रेस करने की वजह से एक बहुत ही चीजल्ड जॉ लाइन का लुक हम प्रॉमिस कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज ये प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ होती है, काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, काफ़ी यंग पेशेंट इसे सिलेक्ट करते हैं। और इस वीडियो के साथ हमने पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर रखे हैं कि जिन लोग की उम्र सिर्फ 30-32 साल है या 25 साल है तो आप बिफोर आफ्टर भी अप्रिशिएट कर सकते हो। और अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वैभव शाह है, मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ।
मैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई में बोरीवली में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, ये प्रोसीजर का जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आता है, उस सर्जिकल प्रोसीजर का कॉस्ट 80,000 to 1 lakh रुपीज आता है। एनेस्थीशिया और मेडिसिन के चार्जेस हमेशा से अलग से होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.